डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप पार्ट वन भी कंप्लीट कर लीजिए ताकि आगे का पोर्शन अच्छे से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे हेलिकल गियर। हेलिकल गियर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्पर गियर और रैक एंड पिनियन गियर को कंप्लीट कर लिया है। तो हेलिकल गियर के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम थियरी को पढ़ते हुए भी समझेंगे। तो हेलिकल गियर के बारे में हमने बताया था कि जो हेलिकल गियर है वो टू टाइप्स में डिवाइड है, दो प्रकार का होता है, वो हमारा सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। सिंगल हेलिकल गियर में क्या है और डबल हेलिकल गियर में क्या है ये जानते हैं। जैसे कि यहाँ इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर बना हुआ है सिंगल हेलिकल गियर और इधर बना हुआ है डबल हेलिकल गियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने हेलिकल गियर का क्या मतलब है। हेलिकल गियर में ये समझ जाइए कि जो जैसे कि हम इससे पहले हम लोगों ने देखा था स्पर गियर में, स्पर गियर में क्या था कि जो गियर के दांते थे वो जो है सीधे सीधे थे, जबकि यहाँ पर क्या होते हैं जो गियर के दांते हैं वो सीधे ना होकर के वो इंक्लाइंड होते हैं, एक तरफ झुके हुए होते हैं। ठीक है, किस गियर में ऐसा होता है, ऐसा हेलिकल गियर में होता है। ठीक है, तो हेलिकल गियर में हम लोग देख रहे हैं कि इसके दांते जो हैं झुके हुए हैं, इसके जो शाफ्ट है इसमें जो लगने वाली शाफ्ट के एज के समांतर नहीं है। ठीक है, उससे कुछ कोण बनाते हुए ये झुका हुआ है। तो जब ये इसके दांते जब एक दिशा में मतलब कि एक साइड झुके हुए होंगे तो इसे कहेंगे सिंगल हेलिकल गियर। ठीक है, जब ऐसे गियर बनाए जाए जैसे कि इसमें देखेंगे आप, तो इसमें दोनों साइड से इंक्लाइंड है, जो दांते हैं दोनों दो तरफ जो हैं झुके हुए हैं। जब इस तरीके से गियर हो तो उसे बोलेंगे डबल हेलिकल गियर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, सिंगल हेलिकल गियर क्या क्या है और डबल हेलिकल गियर क्या है। ठीक है, अब बात आती है कि क्यों जो है इसके दांतों को इंक्लाइंड करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग स्क्रू गियर में देखे थे कि स्क्रू गियर में क्या हो रहा, दांते सीधे सीधे थे, और उसमें हम लोग ये जानते हैं कि जब पावर का ट्रांसमिशन एक गियर से दूसरे गियर पे होता है, तो वहाँ पर एक ही दांत जो है दोनों के कांटेक्ट में आता है। मतलब पावर का ट्रांसमिशन एक गियर से दूसरे गियर पर एक दांत के माध्यम से होता है, मतलब सारा लोड जो है एक ही दांत पर पड़ता है। तो जिसके कारण जो है जो जितना मतलब कि गियर की लाइफ है वो कम हो जाती है, ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इससे उसको जो इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया है, हेलिकल गियर में इसके दांते को इंक्लाइंड कर दिया गया है। इसमें क्या होता है, तब जो है कॉन्टेक्ट होता है एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने की वो बढ़ जाती है, और इसमें जो है पावर का ट्रांसमिशन ईजी हो जाता है, और एक से ज़्यादा गियर आपस में कॉन्टेक्ट में एक टाइम से में आ पाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, दूसरा ये फ़ायदा है इसमें जो है हेलिकल गियर में आवाज़ जो है वो कम होती है, इसको गियर के अपेक्षा इसमें जो है ये स्मूथली चलता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आइए आप इसको पढ़ते हुए समझते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो हेलिकल गियर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। हेलिकल गियर में बताया गया है इसको गियर की तरह हेलिकल गियर उन शाफ्टों को जोड़ते हैं जिनकी एज समांतर होती है। ठीक है, लेकिन उन पर दोनों दांते एक वलयाकार पथ पे होते हैं, इनके दांतों एक हेलिकल कोण पर काटे जाते हैं। ठीक है, हेलिक्स एंगल पर जो है इसको काटे जाते हैं, जिससे मिलने वाले गियर पर भी एक उल्टी तरह समान हेलिकल कोण पर दांते कटे होते हैं। मतलब कि जो दोनों गियर जो होते हैं दोनों पर ही दांते कटे होते हैं हेलिकल टाइप्स में, और एक पर इधर से तो दूसरे पर उसके जस्ट अपोजिट जो है दांते कटे होते हैं। ठीक है, और ये भी जो हेलिकल गियर भी है वो समांतर शाफ्टों को जोड़ने के ही काम आते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर जो ये दोनों शाफ्ट हैं वो एक दूसरे के समांतर ही हैं, जैसा कि स्क्रू गियर में यूज हो रहा था। आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। इस प्रकार के दांतों का अविकल्पन का मतलब डिजाइन इसलिए करते हैं कि इस चालन में जो दांते मेस करते हैं एक दूसरे से मेस करते हैं तो हमेशा एक से अधिक दांते एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जिससे इसको गियर की तरह पूर्ण भार एक दांत पर नहीं पड़ता है, जो हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है, जिससे दांतों की सुरक्षा रहती है तथा अधिक भार पारित करते समय ये दो प्रकार तथा अधिक भार पारित कर सकते हैं। आगे बताया गया ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला जो है सिंगल हेलिकल गियर और दूसरा डबल हेलिकल गियर। सिंगल में क्या होता है, इसमें केवल एक तरफ ही हेलिकल दांते बनाए जाते हैं, जैसा कि हमने देखा।
इसके आगे देखा जाए तो आगे हम होता है स्पाइडर गियर। इसमें देखिए कल गियर के बारे में बात करेंगे, गियर के और भी चीज़ें जैसे कि गियर ट्रेन है और इसके एलिमेंट्स हैं, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो स्पाइरल गियर में क्या है, जैसे कि स्पाइरल देख रहे हैं, इसके जो गियर की जो टीथ हैं वो स्पाइरल टाइप में जो है बने हुए हैं, ठीक है। एकदम इस टाइप में जो है स्ट्रेट जो है इंक्लाइंट नहीं है, ये स्पाइरल टाइप में ऐसे मुड़े हुए हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है इस प्रकार के गियर पदार्थ घुमावदार आकृति के मतलब कि स्पाइरल टीथ बनाए जाते हैं। यह भी इस पर गियर की तरह समांतर अच्छों वाले शाफ्टों को जोड़ते हैं, ठीक है। इसके द्वारा भारी भार मतलब जो भार पारेषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके द्वारा जो है हैवी लोड का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है, आगे बताया गया है कि नेक्स्ट जो है परस्पर काटने वाले अच्छों वाले शाफ्टों को जोड़ने वाले गियर, मतलब कि ऐसे जैसे कि अभी तक हमने जो केस पढ़ा है ये सब केस है, तो उसमें दो शाफ्ट जो है एक दूसरे के समांतर होते थे, तब उनको जोड़ने के लिए आपस में हम लोग जिस गियर का यूज़ कर रहे थे, तो जैसे कि अभी हम लोग किन गियर का यूज़ किया, सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ किया स्पर गियर का, उसके बाद हम लोग रैक एंड पिनियन का, फिर जो है हेलिकल गियर का, और फिर जो चौथा हम लोग यूज़ किया वो स्पाइरल गियर का यूज़ किया है। ये चारों गियर जो है यूज़ किए जाएंगे जब दोनों जब साफ समांतर लगी है और एक साफ से दूसरे साफ पर पावर का ट्रांसमिशन किया जाना हो, तब हम जा कर के तब हम इन चारों गियरों का यूज़ करेंगे। अगर कोई साफ जो है एंगल पे हो, मतलब एक यहाँ पर है और दूसरा इस तरीके से एंगल पे हो और उनकी अच्छे एक दूसरे को काटती हो, तब हम कौन कौन से गियर का यूज़ करेंगे ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यही बताया गया क्लासिफिकेशन किस व्यक्ति की गियर बता रहा है, परस्पर काटने वाले अच्छों वाले साफ्टों को जोड़ने वाले गियर, मतलब समांतर नहीं है लेकिन एक दूसरे को काटते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दोनों एक ही प्लेन में हैं, एक ही सरफेस पे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ऐसे भी समझिए कि सरफेस का होने क्या मतलब, मतलब कि ये अच है और दूसरी अच यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर कट रहा है क्योंकि ये एक ही सरफेस में है। अगर अलग अलग सर्फेस कट जाएगा, मान लीजिए कि अलग अलग सर्फेस कट गया तो ये हो जाएगा, ये इसे ऊपर जाएगा और ये कहीं काटेगा नहीं, ये ऊपर से निकल जाएगा या फिर नीचे से निकल जाएगा। जब दोनों का प्लेन अलग अलग होगा तो ये काटेगा नहीं, जब दोनों का प्लेन दोनों का सर्फेस एक ही होगा तो ये एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। यहाँ का केस क्या है, जब प्लेन एक ही जब दोनों एक दूसरे को काट रहा होगा तो प्लेन उसका जो है एक ही सर्फेस पे उसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि इसमें ऐसे गियर आते हैं जिनके द्वारा एक ही तल में स्थित परस्पर काटने वाले शाफ्टों को जोड़कर शक्ति पारेषित किया जाता है, जैसे कि बेवल गियर, माइटर गियर आदि, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेवल गियर और माइटर गियर के बारे में बताया गया है। तो बेवल गियर देखते हैं, बेवल गियर में क्या है, ठीक है। बेवल गियर में क्या होता है कि जैसे देख रहे हैं यहाँ पर दो गियर है, ठीक है, और यहाँ पर अगर साफ लगेगा, यहाँ पर साफ लगेगा तो इसका एक्सिस कुछ इस तरीके से होगा और इसका एक्सिस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यही बात इसके लिए भी है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर जो टिथ बना हुआ है स्ट्रेट है और यहाँ पर जो बना हुआ है वो स्पाइरल टाइप में इसका टिथ बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बेवल गियर प्रायः फोर्ज में कोन होते हैं, मतलब कि ये कोन होते हैं, मतलब कोन देखें इस तरह का शंकु जो होता है उसको कोन कहते हैं, कोन होते हैं। इसका प्रयोग बहुत होता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसके लिए सही कोण बनाया जाए, क्योंकि बेवल गियर सदैव युग्म मतलब जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं और परस्पर बदले नहीं जा सकते हैं। इसका अभिकल्पन शाफ्टों की एच के बीच के कोण के आधार पर तथा पारेषित शक्ति के अनुसार होता है। ये दो प्रकार के बेवल गियरों का समान प्रयोग होता है, पहला है स्ट्रेट बेवल गियर, दूसरा स्पाइरल बेवल गियर। देखिए इसको अब हम समझ लेते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि इसे हमेशा कोन के द्वारा बनाया जाता है, कोन शंकु के आकार का जो होता है उसको बनाया जाता है, इसमें से इसको काट करके निकाल लेते हैं और इस तरीके से गियर को बना लेते हैं। सबसे पहला ये बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि इसको हमेशा जोड़ों में बनाया जाता है, पेयर्स में इसको बनाया जाता है। इसका मतलब कि जब इस गियर को दोनों को एक साथ ही बनाया जाता है, यानी इस गियर के साथ यही गियर यूज होगा, कोई और गियर यूज नहीं होगा, हमेशा इसको पेयर में बनाया जाता है। अगर किसी मशीनरी में अगर ये दोनों गियर यूज हो रहे हैं और मान लीजिए कि ये ऊपर वाला गियर ख़राब हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला गियर लगा ले आकर के फिर से लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब नया ले आएंगे तो नया सेट भी लाएंगे और नीचे वाला ऊपर वाला दोनों ही हमको बदलना पड़ेगा,
ठीक है। इसके साथ यहाँ बताया गया है ये दोनों हमेशा पेयर में बनाए जाते हैं और पेयर में ही बदले भी जाते हैं, चाहे दोनों में से कोई भी गियर खराब क्यों ना हो जाए, ठीक है। और इसमें इसके बारे में एक और बात बताई गई है कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है स्ट्रेट बेवल गियर जो कि यहाँ पर है जिसमें दांते एकदम सीधे सीधे हैं, और दूसरा जो स्पायरल बेवल गियर जिसमें दांते क्या हैं घुमावदार स्पायरल टाइप में से दांते बने हुए हैं, ठीक है। ये चीज हो गया, लेकिन एग्जाम में जब आपको आएगा लिखने के लिए बेवल गियर तो आपको ये वाला फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। ये हमने आपको समझने के लिए डाला है, जो एग्जाम में फिगर बनाना हो ये बहुत ईजी है, आपको ये बना के आना है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं आगे क्या है, आगे देखेंगे तो परस्पर लंबवत शाफ्टों को जोड़ने वाले बेवल गियर को माइटर गियर कहते हैं। परस्पर 90 डिग्री के अतिरिक्त अन्य कोई कोई झुके हों तो जोड़ने वाले बेवल गियर को तिरिक्त बेवल गियर कहते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें एग्जाम्पल में कि बेवल गियर और माइटर गियर, तो बेवल गियर के बारे में समझ लीजिए। अब माइटर गियर क्या होता है ये समझ जाइए, यही गियर जब 90 डिग्री पर होता है, यही गियर जब 90 डिग्री पर आगे मिला होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं माइटर गियर, क्या बोलते हैं माइटर गियर, ठीक है। और जब 90 डिग्री से कम पे मिला होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया कि इसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, तब क्या होगा वो, तो ये इसको बोलते हैं अब विद्युत गियर मतलब कि तिरियर गियर, ठीक है। तो अक्सर वाइजा पूछा था कि माइटर गियर क्या होता है, तो हमें यह बताना था कि माइटर गियर आपस में जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री पर पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, ये हम लोग को याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग के पास है नेक्स्ट गियर जो कि हम लोग की क्लासिफिकेशन का लास्ट गियर होगा, इसे भी हम अच्छे समझते हैं। जहाँ बताया गया परस्पर लंबों तथा कभी न काटने वाले शाफ्टों के अक्षों को जोड़ने वाले गियर, ऐसे गियर जो कि जिनके अक्ष आपस में काटते ना हो, मतलब कि अगर ऐसे तो दिखाई दे रहा काटते हैं लेकिन एक ऊपर और एक नीचे है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है, एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है, काटे बिना ही निकल जाते हैं, मतलब दोनों का सरफेस अलग अलग है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ऐसे जब ऐसे दो शाफ्ट हों और पावर का ट्रांसमिशन एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर करना हो तो कौन सी गियर का यूज करेंगे, तो वो हमारे पास है वर्म एंड वर्म गियर, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग वर्म एंड वर्म गियर का यूज करते हैं, वर्म एंड वर्म गियर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में बताया गया ऐसे शाफ्ट है जिनके अच्छे अलग अलग तलों में परस्पर लंबवत होती हैं तथा आपस में कभी नहीं काटती हुए हैं, इसके शाफ्ट कहते हैं, तथा ऐसे शाफ्टों को जोड़ने के वाले गियर वार्म तथा वार्म पहिया एवं स्पायरल गियर कहलाते हैं। वार्म तथा वार्म पहिया का प्रयोग उच्च परिमाण की शक्ति को उच्च गति पर चलने वाले चालकों से न्यूनतम गति पर चलित को प्रेषित करने के लिए होता है। यह गियर चित्र में दिखाया गया, इसमें यह बताया गया है कि हाई स्पीड से जब कोई चीज़ चल रही है, जब कोई गियर चल रहा है उसकी स्पीड को कम करने के लिए जो है, और जो है हाई लोड कैपेसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर ध्यान से देखेंगे इन फिगरों को तो आपको कुछ याद आएगा कि आपने है कहाँ देख रखा है। अगर आप देखें हमें चारे काटने की जो मशीन होती है वहाँ पर ये गियर यूज किया जाता है, ठीक है। चारे काटने की मशीन में होता क्या है कि आप चारा काटने की मशीन में बहुत तेज चलता है, जबकि ये सब पहिए क्या है बहुत धीरे चलते हैं, मतलब कि हाई स्पीड में क्या करते हैं सब लो स्पीड में कन्वर्ट करते हैं। और हम ये चीज़ जानते हैं जब स्पीड हाई होती है तो जब स्पीड हाई होती है तो हमारा लोड कैपेसिटी जो है वो लो हो जाता है, और जब स्पीड लो होता है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है हमारी हाई हो जाती है, इसी तरह इसके स्पीड को कम होकर देता है और लोड ये तब ज़्यादा उठा सकता है, इसमें से घास जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके अंदर जाके कड़ी आती है। इससे इस गियर का यूज जो है अगर हम जनरल लाइफ में देखें तो हम चारे काटने के मशीन से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ गियर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दो टॉपिक्स में बचे हुए हैं। पहला जो है इसके कंपोनेंट्स के बारे में, गियर के कौन कौन से हैं, जैसे कि पिच हो गया और डंडम, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और गियर माला जो कहते हैं गियर ट्रेन, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।